थाना छाता क्षेत्र के ग्राम तरौली सुमोली में हुई मारपीट के मामले को जातिगत रंग देने की कोशिश पर बसपा का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी से मिलने पहुंचा। गौरतलब है कि चंद रोज पूर्व थाना छाता क्षेत्र के ग्राम तरौली सुमोली में दो पक्षों के बीच लगातार मारपीट की घटना हुई। इस मारपीट में दोनों पक्षों की ओर से मुकदमे भी दर्ज कराए गए और गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन कुछ लोगों ने प्रदर्शन आदि करते हुए इस घटना को जातिगत रंग देने का प्रयास किया। इसी को लेकर बहुजन समाज पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर से मिलने पहुंचा, जहां प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि घटना इतनी बड़ी नहीं थी जितना कि इस घटना को जातिगत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान हुई बातचीत में बसपा प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने इस संबंध में जानकारी दी। जो कुछ लोगों ने सामाजिक और जातीय उन्माद फैलाने का प्रयास किया, हमने कप्तान साहब के लेवल पे अपनी इस बात को रखा है कि वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहे और उचित कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा मामला हमारे प्रीतम सिंह जो हमारी पार्टी के जिम्मेदार साथी हैं, एक कॉलोनाइजर ने उनके खमनी के कॉलोनाइजर ने उनके सामने नाली को रोक दिया और एक दो तारीख में भयंकर बरसात हुई, करीब 10-15 घरों में पानी भर गया और उनके घर हट गए और बैठ गए। तो उस कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने निवेदन किया है कि आप जांच करा लें और उचित कार्रवाई। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो आज का बिंदु था वो ये था कि एक हमारी बेटी बहन है, हमारी भाई की बेटी है, वो 5-7 दिन से गायब है, उसको खोजबीन करा के उनके परिवारीजनों को सुपुर्द कराते हैं। इन तीनों बिंदुओं पर कप्तान साहब ने पूर्ण आश्वासन दिया है और 2-3 दिन के अंदर उचित कार्रवाई कराने के लिए कहा है। वो बेटी प्रजापति समाज की। कहाँ का मामला है बगीचा? ये नंदगांव। ये बेटी का मामला बता रहे हैं, ये कब से बता रहे हैं? ये हम आज आपको बता रहे हैं, कप्तान साहब के सामने आज हमने रखा है FIR। इसमें 17 तारीख को उस पर अमल कराने के लिए कहा। 17 सितंबर को? 17 सितंबर।